छोटी शहर गांव से मैं भी आता हूँ, बल्कि मैंगलोर फार्मर, बेसिकली फार्मर ही हूँ, और वो बैकग्राउंड है हमारा, तो हमें सब पता है कि वो इश्यूज क्या होते हैं। मैं आज भी मेरे रूट से जुड़ा हुआ, साल में 4-5 बार गांव जाता हूँ, वी नो द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। आई थिंक बेसिकली प्लेइंग जो किरदार, जो बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक उसमें मुझे आसानी हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही वो है। उसके अलावा आई थिंक यू नो बेसिकली द डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एंटायर टीम ने इतनी होमवर्क की थी फिल्म पर, और रोज़ रोज जब भी पेपर देखता था मैं, तो कोई ना कोई इश्यू होता ही था। आई थिंक वहाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत हुई। उसके अलावा जो मेरे साथ एक्टर्स थे, उनका मेरे साथ रहने का मतलब ये था कि मुझे भी अपना परफॉर्मेंस एक लेवल और बढ़ाना पड़ा। मुझे वो इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि जब आप विनोद जी, नसीर जी, सीमा विश्वास, आयशा धाकर और सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स के साथ जब आप काम करते हो, एक मुझे ऐसे लगा था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, घबराया हुआ था फर्स्ट डे, बट आई थिंक आई स्लोली सेटल्ड इन, बिकॉज फाइनली 22 इयर्स ऑफ माय करियर, द ओनली थिंग दैट आई हैव बीन आई थिंक इज अ गुड स्टूडेंट, यू नो, एंड आई हैव फॉलोड व्हाट माय डायरेक्टर हैज आस्क्ड मी टू फॉलो। द गोवा फिल्म फेस्टिवल, इट वाज द पीपल, दे वर मोर देन 1000 पीपल, दे सेड कि व्हाई डोंट यू मेक दिस पिक्चर इन हाई ग्रेड, व्हाई डोंट यू डब इट, ओनली देन दिस थॉट केम, एंड देन वी डब इंग्लिश तेलुगु। Absolutely, that appreciation, and my own, you know, it's the guts of the producer also to go up in festival, Chandrani Palani, 4 months before the release of the film, official release of the film, film ko dikhana, wo bhi India mein, to anybody and everybody, the media from all over India, it says a lot about the film, ki jo confidence humein film mein hai, kyunki subject waisa hai, story, screenplay waisa hai, ki हर आदमी, हर आम आदमी इससे रिलेट करेगा। आई डोंट थिंक सो, यू नो, वी आर एनीवे प्लानिंग अ जुलाई रिलीज, एंड वी आर प्लान दिस, कि हमने अभी नहीं प्लान किया, हमारा थोड़े टाइम से प्लान था, दैट हेंस द म्यूजिक रिलीज एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक दिस इज, देयर इज इनफ ऑफ एन ऑडियंस फॉर एवरी काइंड ऑफ, एंड यू नो देयर कुड बी टू कॉमेडी मूवीज रिलीजिंग इन 2 weeks, एंड इफ बोथ आर गुड मूवीज बोथ विल रन, you know, it's, I think it's not about if you're dealing with the same topic or whatever, if you're on the same genre, I think it's about just good cinema. Our audience is very ruthless. If it is a good film, they will watch it, if it's not, they won't. सर, ये कहानी सच्ची कहानी है जो एक न्यूज पेपर रिपोर्ट से लिया गया है, तो हम किसी और के साथ न कंपेयर करना चाहते हैं, न किसी और से मुकाबला करना चाहते हैं, ये सच्ची घटने पर आधारित है, और इट स्टैंड्स आउट अमंग सम। बेसिकली फिल्म में म्यूजिक का कोई स्कोप इतना नहीं है, सो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ फिल्म, आई सीन इट, वंडरफुली मेड फिल्म, और बहुत ही रियलिज्म से पूरा स्तर दिखाया गया है इसकी, जहाँ लोकेशन है वो एक्चुअल लोकेशन में शूट हुई है पिक्चर, और कहीं उसमें ऐसा कोई रोमांटिक एंजल या गाना है या कोई आइटम नंबर या बिल्कुल वो माहौल ही नहीं है, और एक जो गाना है वो भी बैकग्राउंड गाना है, और बहुत ही मुश्किल से इस फिल्म में ब्लेंड किया गया है, और म्यूजिक का इस तरह का स्कोप नहीं है जैसा फिल्म में होता है, दिस फिल्म इज नॉट लाइक अ फिल्म फिल्म, इट्स इट्स एक्चुअल जो उन्होंने पढ़ा है पेपर में उसके ऊपर बनी हुई पिक्चर है, और बहुत ही रियलिज्म से बनी हुई है, तो वो दिमाग में रख के इसका जो भी म्यूजिक किया है उस हिसाब से, आई थिंक बहुत साफ है, बहुत ऑब्वियस है, रेड अलर्ट इज अ टाइटल, रेड जब आप रेड कहते हो तो नक्सल्स है, रेड कहते हैं तो डेंजर है, और रेड अलर्ट इज ऑलवेज अ वार्निंग, इट इट वर्क्स ऑन टू लेवल्स, राइट, लाल सलाम कहते हैं वो लोग नक्सलाइट्स, तो रेड अलर्ट वर्क्स ऑन टू लेवल्स, रेड एज नक्सल्स एंड रेड एज डेंजर।